दुर्ग लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी कर रहे सभी प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित हुआ, वहीं अब 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र 7 दुर्ग अंतर्गत नाम वापसी के अंतिम तिथि की समय व समाप्ति के बाद दुर्ग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों एवं अन्य अभ्यर्थियों को चुनाव प्रतीक चिन्ह आवंटित किया। इस दौरान संसदीय क्षेत्र दुर्ग के 25 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में दावेदारी करेंगे। वही जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी दिलीप रामटेके बहुजन समाज पार्टी को हाथी चुनाव चिन्ह, राजेंद्र साहू इंडियन नेशनल कांग्रेस को हाथ और विजय बघेल भारतीय जनता पार्टी को कमल चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। इसी प्रकार डॉक्टर अंजू केमे एकम सनातन भारत दल को बांसुरी, पुष्पा मेडिसा अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को कोट, यशवंत सीताराम साहू भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को एयर कंडीशनर, राकेश साहू न्याय धर्म सभा को हीरा, विकास शर्मा लोकशाही एकता पार्टी को सिलाई की मशीन, शीतकरण महिलवार आज़ाद समाज पार्टी को केटली, शंकर ठाकुर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आरी, श्याम सुंदर साहू लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी को बाल्टी, सविता शैलेंद्र बंजारे शक्ति सेना भारत देश को गैस सिलेंडर, सुखदेव टंडन राष्ट्रीय जनसभा पार्टी को नारियल, फार्म हाउस चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। इसी क्रम में अनूप कुमार पांडे निर्दलीय को बल्ला, अरुण जोशी निर्दलीय को लिफाफा, अली हुसैन सिद्दीकी जो कि निर्दलीय हैं इनको सीटी, अशोक जैन निर्दलीय को माचिस की डिब्बी, खिलानंद जसपाल निर्दलीय को गन्ना किसान, ध्रुव कुमार सोनी उर्फ लंगूर सोनी निर्दलीय को टॉफिया, बलदेव साहू निर्दलीय को कांच का गिलास, भागबली सिवारे निर्दलीय को अलमारी, भानु प्रताप चतुर्वेदी निर्दलीय को ब्लैकबोर्ड, संतोष कुमार मारकंडे निर्दलीय को सेब, हरिश्चंद्र ठाकुर निर्दलीय को कंप्यूटर और डॉक्टर हरिश्चंद्र साहू निर्दलीय को ऑटो रिक्शा चुनाव प्रतीक चिन्ह आवंटित किया गया। लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी के अभ्यर्थी श्याम सुंदर साहू और शक्ति सेना के अभ्यर्थी सविता शैलेंद्र बंजारे द्वारा गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह को प्रथम वरीयता दिए जाने पर इसका फैसला लॉटरी निकालकर किया गया, जिसमें गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह सविता शैलेंद्र बंजारे शक्ति सेना के नाम पर लॉटरी निकली। तत्पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गैस सिलेंडर प्रतीक चिन्ह सविता शैलेंद्र बंजारे को आवंटित किया गया। क्षेत्र में कुल 27 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन प्राप्त हुए थे। समीक्षा के दौरान दो नाम निर्देशन प्रस्थापकों की संख्या प्रतिपूर्ति नहीं होने से खारिज की गई है और नाम वापसी का दिन आज 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक था। किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा कोई नाम वापसी नहीं की गई है और अब 25 अभ्यर्थी इस लोकसभा क्षेत्र पे चुनाव के लिए कैंडिडेट के रूप में नाम निर्दिष्ट हुए हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।